अरे ये पुणे के हॉस्पिटल गए हो गाड़ी से समस्तीपुर जिले के खानपुर स्थित डेकारी चौक रणभूमि में तब्दील हो चुका है। डेकारी चौक स्थित एक कोचिंग संस्थान में छात्र एवं छात्राओं के साथ मारपीट की गई है, जिसके कारण मारपीट की इस घटना ने हिंसक रूप ले लिया है। इलाके में काफी तनाव भरा माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक खानपुर थाना क्षेत्र के डेकारी चौक स्थित कोचिंग संस्थान में असामाजिक तत्वों द्वारा कोचिंग के छात्र एवं छात्राओं के साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोग एवं ग्रामीण काफी उग्र हो गए हैं। लोगों का कहना है कि छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद छात्र काफी नाराज है एवं सड़क को जाम कर आगजनी कर दिया है। कोचिंग के छात्रों का आरोप है कि जब कोचिंग की छुट्टी होती है तो छात्राओं पर टिप्पणी की जाती है एवं छेड़खानी की जाती है, जिसके बाद कोचिंग संचालक ने जाकर युवक को समझाने की कोशिश की तो युवकों ने उन पर रॉड से हमला कर दिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए एवं कोचिंग के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की गई। छात्रों का कहना है कि इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई है। इस घटना में आधे दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि पुलिस को कई बार खबर देने के बाद भी पुलिस की टीम नहीं पहुंची, जिसके बाद आखिरकार छात्राओं ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया एवं यातायात को घंटों से बाधित कर रखा है, जिसके कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि घटना के बाद अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई एवं स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं को समझा बुझा कर मामले को शांत कराने में लग गई। ये तो नॉर्मल है, दो और मैं उसको हॉस्पिटल भर दिया, उसका हो गया विकेश भैया, विकेश भैया पैर उसका फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, 5-7 हज़ार मिले इसके मतलब होता है। और लड़की हो रहा है, और लड़की को मारा कुछ ही क्या हुआ है कुछ बताओ। वो लड़का लोग बहुत मारपीट कर रहे थे, जा रहे थे साइड से, लड़का सुना तो सीधे रोड से घूम के मारा है। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार। हमारे पास कुमार। किस वजह से झगड़ा हुआ था? सर वहाँ पे रूम कर रहे थे, दारू पी करके। अच्छा। लड़की तब हमें समझाए, उसको बोला कि तुम फिर भी आएंगे कोचिंग में, और एक बार मारने दिए, तब हम मारने लगा, तब उसका अंदर फिर अंदर फायरिंग करने लगा। लड़की ने फायरिंग किया।